वेलकम बैक दोस्तों, इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले हैं किशोर जीत, तो इनके लिए एक लाइक कर दीजिए। मूवी का नाम है एक्स मकीना। तो मूवी ऑफिशियली 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन यूके और यूएस में जनवरी 2015 में रिलीज हुई। और यह एक ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है जिसको बहुत सारे अवार्ड मिले है, तो उनमें से एक स्पेशल अवार्ड है बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का। तो मूवी के डायरेक्टर है एलेक्स गार्लैंड और मूवी की लीडिंग कास्ट है ऑस्कर आइजैक, एलिशिया विकेंडर, डोमनाल ग्लीसन, सोनोया मिजुनो। इस मूवी के जरिए से डायरेक्टर ने हम ह्यूमंस को एक डीप मैसेज दिया है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट कर देते हैं। और उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए। मूवी की शुरुआत होती है एक सर्च इंजिन कंपनी से जिसका नाम होता है ब्लू बुक। और उसी कंपनी में एक प्रोग्रामर वर्क कर रहा होता है जिसका नाम है कैलिप स्मिथ। तो उसको सडनली एक वीआईपी मेल आता है जिसमें ये एक ऑफिस कॉन्टेस्ट में जीत चुका है। उसके नतीजे पर कैलिप को 1 वीक तक अपने सीईओ के साथ एक लग्जरी लाइफ बितानी होगी। इन सिंपल वे अपने सीईओ के साथ वेकेशन पे रहना होता है। वो देखकर ऑफिस की स्टाफ कैलिप को बधाई देते हैं और उसे पिकअप करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है और कैलिप को एक सुनसान जगह पर छोड़ता है। कैलिप उस पायलट से पूछता है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? तो पायलट कहता है, तुम इस रिवर को फॉलो करना और तुम बिल्डिंग तक पहुँच जाओगे। और उसी में पायलट ये भी कहता है, मैं 7 दिन बाद यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो पायलट कैलिप को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है और कैलिप उस बंगलो पहुँच जाता है। तो एक्चुअली वो बंगलो कम रिसर्च फैसिलिटी ज्यादा लगता है। और कैलिप वहाँ जाने के बाद उसको एक की कार्ड मिलता है, उसके जरिए से वो अंदर एंटर होता है और कैलिप नेथन से पहली बार मिलता है। और नेथिन कैलिप को बधाई देता है कि उसने इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीता है। तो उसी में नेथिन कैलिप को खाने पीने के लिए ऑफर करता है, लेकिन कैलिप मना कर देता है। तो वहां से नेथिन कैलिप को अपना घर दिखाने लगता है और उसी में ये भी कहता है कि तुम अपने की कार्ड से चंद दरवाजों को ओपन कर सकते हो। अगर कोई भी दरवाजा तुम्हारे की कार्ड से ओपन नहीं हुआ तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो वही पर नेथिन कैलिप का कमरा दिखाता है, एक अग्रीमेंट देता है उसमें साइन करने के लिए। और कैलिप उस अग्रीमेंट को पढ़ना शुरू करता है। उसमें ये लिखा होता है कि यहाँ की बात तुम बाहर नहीं रहोगे। तो वो पढ़ने के बाद कैलिप कहता है, मुझे मेरे लॉयर से मिलना होगा। तो नेथन कैलिप को फेमस होने का लालच दिखाता है, यानी अगर मेरे इन्वेंशन में तुम्हारा साथ हो तो इन द फ्यूचर तुम्हारा नाम दुनिया में छा जाएगा। तो कैलिप नेथन की बात मान लेता है और उस अग्रीमेंट में साइन कर देता है। उसके बाद नेथन कैलिप को बुलाने का मेन रीजन बताता है और वो पूछता है, क्या तुम ट्यूरिंग टेस्ट को जानते हो? और कैलिप उसे ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बताता भी है। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या है। इन द ईयर ऑफ 1950 अलन ट्यूरिंग ने इसका डिस्कवर किया है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक इंसान एक मशीन को टेस्ट करता है। अगर उस इंसान को लगेगा कि मैं कंप्यूटर से नहीं इंसान से बात कर रहा हूँ तो वो कंप्यूटर ट्यूरिंग टेस्ट पास हो जाएगा। तो यही बात कैलिप नेथन को समझाता है और उसी में नेथन कैलिप को कहता है, मैंने एक एआई को बिल्ड किया है और तुम उस एआई का टेस्ट लोगे। तो कैलिप वो सुनकर बहुत प्राउड फील होता है। तो उसके बाद डायरेक्टर हमको सेशन के तौर पर दिखाते हैं, यानी 7 दिन के लिए 7 सेशन। उसके बाद नेथिन कैलिप को एक कमरे में भेजता है और कैलिप उस रूम का जायजा लेता है कि वो देखता है उस रूम के शीशे बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ। और वहीं पर उसको एक क्रैक भी दिखता है, जैसे लगता है कोई जोर से मारा हो। कि तभी कैलिप की नज़र उस एआई पर पड़ती है। वो दिखने में एक ह्यूमेनॉइड होती है और एक लड़की की तरह दिखती है। उसके बाद इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन शुरू होती है। उस एआई का नाम होता है एवा, यानी ये दोनों अपने नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। और उन दोनों की कन्वर्सेशन नेथन ऑब्जर्व कर रहा होता है। और उसके बाद कैलिप एवा की एज पूछता है। एवा कहती है, आई एम 1। कैलिप को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो क्वेश्चन करता है, 1 ईयर 1 डे क्या है? तो फिर एवा वही जवाब देती है, आई एम 1। इसने ऐसा क्यों कहा, मैं आपको इनमें समझाता हूँ। और कुछ बातें होने के बाद एवा कैलिप से फिर मिलने की इच्छा करती है। और यहाँ पर इन दोनों का सेशन 1 खत्म होता है। वो होने के बाद नेथिन कैलिप से रिजल्ट पूछता है, यानी तुमको कैसा लगा? और कैलिप कहता है, शी इज सो फैंटास्टिक, बहुत अमेजिंग लगी मुझे तो। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका बात करने का तरीका हूबहू ह्यूमन जैसा ही है। तो नेथिन कैलिप की बातों को सुनकर बहुत खुश होता है। उसके बाद उसी रात कैलिप अपने बेड पर सोया हुआ होता है
और वहाँ पर एक रिमोट पड़ा हुआ होता है। कैलिब उस रिमोट को प्रेस करता है कि सडन से उसके सामने एवा दिखती है। मेरे ख्याल से कैलिब वो टीवी का रिमोट समझा होगा, तो ऐसे ही वो बटन्स दबाता रहता है तो वहाँ पर कैमरा एंगल चेंज होता रहता है और हर एक कैमरा एंगल एवा पर फोकस होता है। तभी उस बिल्डिंग की पावर ऑफ हो जाती है। कैलिब घबराने लगता है, वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, क्योंकि पावर ऑफ के कारण वो दरवाजा ओपन नहीं होता। फिर थोड़ी ही देर बाद पावर ऑन हो जाता है और कैलिब नेथन के रूम में जाता है और नेथन से पूछता है, मेरे रूम में पावर ऑफ हुआ था? तो नेथन कहता है, हाँ चंद दिनों से ऐसा ही हो रहा है और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ, जल्द ही मैं इसको फिगर आउट कर दूंगा, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता दूँ, नेथन एक पियक्कड़ है, यह हमेशा पीता रहता है। उसके बाद सुबह होती है और कैलिब के रूम में सडनली क्योको खाना लगा के रख देती है। कैलिब क्योको को देख के घबरा जाता है क्योंकि कैलिब पहले दिन क्योको को नहीं देखा था। कैलिब बाहर आने के बाद नेथन से पूछता है कि वो कौन थी, तो नेथन कहता है वो मेरी सर्वेंट है। उसके बाद नेथन कैलिब से कहता है, क्या तुम डे टू के लिए रेडी हो? कैलिब कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। और नेथन कहता है, आज मुझे जानना है कि एवा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तो वैसे ही सेशन टू स्टार्ट होता है, तो उसमें एवा जो रात में ड्रा कर रही थी वो डायग्राम कैलिब को दिखाती है। तो कैलिब को ये डायग्राम बहुत अजीब सा लगता है और एवा को एक सजेशन देता है, यानी बजाय ऐसे डायग्राम के कि तुम एक ऑब्जेक्ट की डायग्राम करो या एक पर्सन की डायग्राम करो, वो बेहतर होगा। और एवा उसकी बात पर अप्रिशिएट भी करती है। उसके बाद एवा कैलिब के पर्सनल के लाइफ के बारे में पूछती है और कैलिब कहता है कि मैं 26 साल का हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है, एक कार एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की डेथ हो गई और मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मैं मैरिड हूँ। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती रहती है कि सेम वैसे ही पावर ऑफ हो जाता है और सारे कैमरास शट डाउन भी हो जाते हैं। कि तभी एवा कैलिब को कहती है कि तुम नेथन पर भरोसा मत करो, नेथन एक लायर है। वो सुनने के बाद कैलिब को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो ऑब्वियसली होगा ही ना, अगर आपको कोई इंसान किसी इंसान के बारे में बुरा कहे तो आपको शक तो होगा ही ना। तो इसी बात का एवा ने फायदा उठाया। उसके बाद सडनली पावर ऑन हो जाता है और फिर एवा नॉर्मली बिहेव करने लगती है। तो उसके बाद डिनर के वक्त क्योको कैलिब पर वाइन गिरा देती है। वो देखकर नेथन क्योको पर चिल्लाने लगता है, उस पर गुस्सा होने लगता है और उसी में नेथन कैलिब को कहता है क्योको को इंग्लिश नहीं आती। तो उसके बाद नेथन कैलिब से पूछता है, पावर ऑफ होने के बाद तुम दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? तो कैलिब कहता है, हमारे दोनों के बीच क्या भी बातचीत नहीं हुई। और नेथन कैलिब की बात पर भरोसा कर लेता है। तो उसके बाद यहाँ पर क्योको उदास बैठी हुई होती है, तो यहाँ पर कैलिब एवा को देखते रहता है, यानी कैलिब एवा पर अट्रैक्ट होने लगता है, उसको चाहने लगता है। दूसरे दिन नेथन कैलिब को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर एवा को बनाया गया था। तो वहीं पर नेथन कैलिब को बताता है कि उसने कैसे उस एआई को एक्सप्रेशंस दिए है, यानी फेशियल एक्सप्रेशंस दिए है, उस कोड को उसने कैसे क्रैक किया। और नेथन कहता है, दुनिया में हर एक इंसान के पास सेलफोन है और उस सेलफोन में माइक्रोफोन्स होता है, कैमरा होता है और इंटरनेट फैसिलिटी भी होती है। तो दुनिया के हर एक इंसान के फोन को मैंने हैक कर लिया है और उसी हैकिंग से मैंने ब्लू बुक को डिस्कवर किया है और मैंने ये सारा सब कुछ चोरी छुपे नहीं किया बल्कि परमिशन से ही किया है। यानी जब दो लोग आपस में वीडियो कॉल करके कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं और ऐसे करके मैंने सारा डेटा गैदर किया और उसको एक मेमोरी का रूप दिया। यही एवा का ब्रेन है और नेथन उस ब्रेन को कैलिब को देता है ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद सेशन 3 और उसके बाद एवा अपने एक डायग्राम को दिखाती है जैसा पिछली बार कैलिब ने उसको सजेस्ट किया था। उसके बाद एज यूजुअल उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है और उन्हीं बातों में एवा कैलिब को कहती है, तुम अपने आंखें बंद करो, मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो वैसे ही कैलिब अपने आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद एवा अंदर जाकर अपने आप को संवारती है, यानी विग पहनती है, कपड़े पहनती है, जूते पहनती है और कैलिब के सामने आके खड़ी होती है। कैलिब एवा का उस रूप देखकर और भी अट्रैक्ट हो जाता है और वही बातों ही बातों में एवा कैलिब से पूछती है, क्या तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो? तो कैलिब एवा से पूछता है, तुमको कैसे पता चला? तो एवा उसे समझाती है, माइक्रो एक्सप्रेशंस, उसके जरिए से मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। यानी मैं आपको समझाता हूँ, कुछ लोग देखे होंगे आप
सामने वाले की पर्सनालिटी देखकर वो इंसान कैसा है वो लोग जान लेते हैं, यानी उनके एक्सप्रेशंस देखकर कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है वो ऐसे ही भाप लेते हैं। तो सेम यही टेक्नोलॉजी नेथन ने एवा में रखी है, वही उसको पिछली बार समझाया था, यानी हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे फीलिंग को दर्शाता है। तो यहाँ पर एवा भी ऐसी ही है, सामने वाले की फीलिंग को छट से भाप लेती है। तो कैलिप वो सारे बातें सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। उसके बाद कैलिप नेथन से आके पूछता है, क्या ये को जेंडर जरूरी है? क्या तुमने एवा को फ्लट करने के लिए बिल्ड किया है? उसके अंदर इमोशन के साथ फीलिंग्स भी है, और क्यों तुमने एवा को एक लड़की का रूप दिया? तो नेथन कैलिप को समझाता है, हाँ सेक्सुअलिटी जरूरी है, जैसा नेचर ने हमको पैदा किया हमारी दुनिया में भी जेंडर है, सेक्सुअलिटी है, तो उसी को दिमाग में रखकर मैंने एवा को बिल्ड किया है, और तुम इन एआई से प्लेजर भी पा सकते हो। ऐसा कहते हुए नेथन कैलिप को अपने रूम में ले जाता है और जैक्सन पेलिक की पेंटिंग दिखाता है, और नेथन कहता है, जैक्सन ने पेंटिंग पर कुछ सोच के नहीं बनाया, वो सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड पर अपने आप पेंटिंग बनाता गया और ये खुद ब खुद एक पेंटिंग बन गई। इसे ही हम ऑटोमेटिक आर्ट भी कहते हैं, और उसी तरह मैंने एवा को इमोशंस दिया है और फीलिंग्स तो उसमें खुद ब खुद आ गई है, और जहाँ इमोशंस है वहाँ फीलिंग्स है, और फ्रेंडशिप भी एक रिलेशन फीलिंग है जो एवा ने तुमको फ्रेंड बनाया है। उसके बाद सेशन 4 आता है जिसमें कैलिप एवा को अपने कॉलेज के दिनों का एक स्टोरी सुनाता है। मेरी नाम की एक साइंटिस्ट एक कमरे में बंद थी, उस कमरे में सारे के सारे व्हाइट एंड ब्लैक ही थे, वो सारे चीजों को व्हाइट एंड ब्लैक में ही देखती थी, और किसी ने एक दिन उसके रूम का दरवाजा ओपन कर दिया और वो बाहर निकली। जब वो बाहर निकली तो उसने असली रंगों को देखा, और कंप्यूटर भी एक ऐसा ही है, जब कंप्यूटर एक रूम में होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही चीजें देखता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो एक इंसान कहलाता है। तो जब कैलिप ये स्टोरी सुना रहा होता है, एवा उस स्टोरी में अपने आप को फील करती है, और एवा को ये स्टोरी ये बहुत गहरी लगती है, और फिर सडनली पावर ऑफ होता है। पावर ऑफ के दौरान एवा कैलिप को कहती है कि मैं ही ये पावर ऑफ कर रही हूँ, ताकि मैं जानना चाहती हूँ कि जब कोई भी हमको नहीं देख रहा होता कि हम दोनों कैसे फील करते हैं। उसके बाद नेथन और कैलिप दोनों बाहर आए हुए होते हैं, तो वहीं पर कैलिप नेथन से पूछता है कि लॉटरी टिकट या फर्स्ट प्राइज ये सब झूठा है ना, और मैंने ऐसी कोई लॉटरी जीती भी नहीं, क्या तुम सच बता सकते हो? कि नेथन कैलिप को एक ही बात कहता है, यू आर चूजन, मैंने तुमको चूज किया है। तो उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ यहाँ पर नेथन और क्योको दोनों हुकअप करते हैं। वो होने के बाद कैलिप ये देखता है कि नेथन एवा के रूम में गया और जो एवा डायग्राम बना रही थी वो उसको फाड़ दिया, और नेथन वहाँ से चला जाता है। तो कैलिप इसका कारण पूछने के लिए नेथन के रूम में जाता है, वहाँ पर ऑलरेडी क्योको होती है, और क्योको को नेथन के बारे में पूछता है, लेकिन क्योको अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। कैलिप उसे रोकने की कोशिश करता है कि तभी नेथन नशे में अपने रूम में एंटर होता है, और कैलिप को कहता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कि तभी नेथन म्यूजिक चला देता है, वो म्यूजिक सुनकर क्योको डांस करने लगती है, और क्योको के साथ नेथन भी डांस करने लगता है। ये सब देखकर कैलिप थोड़ा अजीब सा फील होता है। तो उसके बाद कैलिप नेथन को उसके रूम में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। सेशन 5 में एवा कैलिप को कुछ क्वेश्चंस पूछती है, यानी उसका फेवरेट कलर क्या है, उसका बेस्ट मेमोरी क्या है। तो कैलिप पहले तो उसका रॉन्ग आंसर देता है, क्योंकि एवा को एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो एवा झटके से पहचान लेती है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर कैलिप ऐसे तैसे करके उसको करेक्ट आंसर बता देता है, और उसी क्वेश्चंस में एवा एक और क्वेश्चन पूछती है, अगर मैं सही से फंक्शन ना हुई तो मेरा क्या होगा? तो कैलिप कहता है मुझे पता नहीं इसके बारे में, और एवा कैलिप की डायग्राम दिखाती है जो नेथन ने फाड़ी थी, और पावर ऑफ कर देती है, और एवा कैलिप से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद दूसरे दिन कैलिप नेथन से पूछता है कि इस टेस्ट के बाद एवा का क्या होगा। तो नेथन कहता है अगर इसमें कोई गलतियाँ है तो इसको सुधार के मैं इससे बेटर वर्जन बनाऊंगा, उसकी बॉडी तो परफेक्ट होगी लेकिन उसकी मेमोरी के मैं फॉर्मेट कर दूंगा। वो बात सुनकर कैलिप थोड़ा फील होता है, तो उसी में नेथन उसे समझाता है कि तुम एवा के बारे में बैड फील मत हो, कई सारे वर्जन के जैसे एवा भी एक वर्जन है, कुछ अलग तौर पर प्रोग्राम किया गया
गया है। तो ऐसे ही बातों ही बातों में कैलिब नेथन को बहुत शराब पिला देता है और जब नेथन सो जाता है तब कैलिब उसका कीकार्ड चुराता है और उसके रूम में जाकर उसका कंप्यूटर चेक करता है कि वो थोड़े क्लिप्स फाइंड आउट करता है। यानी नेथन ने एवा से पहले बहुत सारे वर्शंस बिल्ड किया था और उनमें से कुछ वीक थे और कुछ एआई नेथन की बात नहीं मान रहे थे और कैलिब उस रूम में ग्लास ब्रेक देखा था तो इसी रोबोट ने किया था। यानी ये रोबोट उस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। तो उसके बाद कैलिब नेथन के बेडरूम में आता है कि वहाँ पर क्योको नेकड सोई हुई होती है और कैलिब वहाँ के सारे अलमारियों को चेक करता है। उन अलमारियों में पिछले वर्षन के रोबोट्स वहीं पर होते हैं और वहीं पर ही क्योको अपने आप को रिवील करती है कि वो भी एक रोबोट है। तो यहाँ पर मैं क्योको को बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। क्योको एक गुलाम है और नेथन ने इसको वैसे ही प्रोग्राम किया है, यानी वो हर एक बात मानने के लिए। क्योको को एटलीस्ट बोलना भी नहीं आता और नेथन क्योको को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बिल्ड किया है कि तभी नेथन उड़ जाता है और अपने रूम आने लगता है और वहाँ पर आने के बाद अपना की कार्ड सर्च करता है कि तभी कैलिब उसका रूम कार्ड उसे दे देता है। और उसी दिन रात कैलिब को ये शक होता है कि मैं ह्यूमन हूँ या रोबोट हूँ, तो वो बाथरूम में जाकर अपने आप को चेक करता है, अपनी आँखें देखता है, अपने दांत देखता है और वहीं पर उसका रेजर होता है। वो उस ब्लेड को लेकर अपना हाथ काटता है और उस हाथ से ब्लड निकलने लगता है। तब वो समझ जाता है, हाँ मैं ह्यूमन हूँ। अबे ऐसे कौन करता है बे, तुम ह्यूमन हो या नहीं चेक करने के लिए। तो दूसरे दिन सेशन 6 के दौरान कैलिब एवा को कहता है कि इस टेस्ट के बाद एवा का क्या होगा, नेथन तुमको डिसमेंटल कर देगा, यानी इन ए सिंपल वे तुमको मार देगा, किल कर देगा। और ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, वो ये है कि तुम कल रात 10 बजे पावर ऑफ कर देना जो रूटीनली करती हो और जब तक मैं नेथन को बहुत शराब पिलाऊंगा और जब वो सो जाएगा तो मैं उसका की कार्ड लेकर सारे सिक्योरिटी डोर्स अनलॉक कर दूंगा और हम दोनों यहाँ से इजीली बाहर निकल जाएंगे। तो एवा भी उसकी बात मान जाती है और दूसरे दिन सुबह नेथन कैलिब से कहता है, ये तुम्हारा लास्ट डे है, कल सुबह 8 बजे तुम्हारा हेलीकॉप्टर आ जाएगा। तो उसी में नेथन कैलिब को पूछता है, ये टेस्ट कैसा रहा, क्या एवा पास हुई या फेल हुई। तो कैलिब कहता है, हाँ एवा पास हो गई। और उसके बाद कैलिब उसको ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन नेथन ड्रिंक पीने से मना कर देता है। और उसी में नेथन कैलिब से पूछता है, क्या एवा तुमको रियली चाहती है या लव करने का दिखावा कर रही है। तो कैलिब कहता है, वो क्यों ऐसा करेगी, मुझे पता नहीं। और उसके बाद नेथन कैलिब को अपने रूम में ले जाकर एक क्लिप दिखाता है जहां पर नेथन ने एक बैटरी से चलने वाला कैमरा वहां पर लगा दिया था ताकि जब पावर ऑफ हो तो इन दोनों की बातों को सुन सके। और ऑब्वियसली नेथन एवा और कैलिब की बातें सुन लिया था, इसीलिए वो शराब पीने से मना कर दिया। उसके बाद नेथन यहाँ पर एक असली राज बताता है, वो ये है कि नेथन ने एवा को ऐसे ही प्रोग्राम किया है जैसे एवा एक मेज में कैद हुए चूहे की जैसा और चूहा उस मेज से किसी भी तरह करके बाहर निकलना चाहता है, तो उसी तरह एवा भी उस कमरे से बाहर निकलना चाहती है लेकिन तोड़ फोड़ करके नहीं, अपने दिमाग से, अपने एबिलिटी यूज करके। और एवा वही यहाँ पर यूज किया है, यानी तुमको यूज किया है, तुमको अपने प्यार में फंसाया है और तुमको मेरे खिलाफ भड़काया है और मैंने इसको ऐसे ही प्रोग्राम किया है ताकि वो किसी भी तरह करके उस कमरे से बाहर निकले। और इसीलिए नेथन ने कैलिब को चुना क्योंकि कैलिब का ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई गर्लफ्रेंड है। इन ए सिंपल वे ये टेस्ट एवा पर नहीं कैलिब पर किया गया था और एवा अपनी एबिलिटी से किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है और अपना काम निकाल सकती है कि तभी पावर ऑफ हो जाता है, यानी 10 बज चुके होते हैं। और नेथन कैलिब से पूछता है, तुम्हारे प्लान के हिसाब से तुम तो मेरा की कार्ड चुराने वाले थे और सिक्योरिटी कोड को अल्टर करने वाले थे, अब क्या होगा। तो कैलिब कहता है, मैंने ये काम एस्टरडे ही कर दिया था जब तुम पीकर सो गए थे। नेथन वो सुनकर शॉक हो जाता है और जब पावर ऑन होता है तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है कि एवा अपने रूम से बाहर आ चुकी होती है और नेथन गुस्से से कैलिब को एक पंच मारता है और कैलिब वहीं पर बेहोश गिर जाता है और वहां पर पड़ा हुआ एक डम्बल लेता है एवा को रोकने के लिए। लेकिन वहां पर पहले से ही क्योको
एवा को रोकने के लिए जाती है, लेकिन एवा क्योको को भी अपने वश में कर लेती है और नेथन एवा से कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ, कि तभी एवा उस पर वार करने लगती है और उसी हाथापाई में नेथन एवा का एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन तभी क्योको नेथन को पीछे से वार कर देती है। वो देखकर नेथन शॉक में रह जाता है और गुस्से से नेथन वही डम्बल लेकर क्योको का मुंह तोड़ देता है और नीचे गिर जाती है। और एवा इसी मौके का फायदा उठाकर जो नेथन के पीछे चाकू होता है वो लेकर उसके सीने में चुबा देती है और नेथन वहीं पर गिर जाता है। और एवा नेथन का कीकार्ड लेकर उसके रूम में जाती है और कैलिप को पाती है और एवा कैलिप से कहती है तुम यही रुको, और नेथन के अलमारियों से डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के पार्ट्स लेकर अपने आप में लगा लेती है। किसी का हाथ लेती है, किसी का स्किन लेती है और किसी का ड्रेस लेती है और सिंपल से ये एक ह्यूमन दिखने लगती है। और वहां से बाहर आने के बाद कैलिप को वहीं पर अंदर लॉक कर देती है। कैलिप चिल्लाने लगता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन एवा कैलिप को देखती भी नहीं वहां से बाहर निकल जाती है। और उसके बाद एवा पहली बार आसमान के नीचे आती है, पेड़ पत्तों को देखती है, खिलखिलाने लगती है। चूंकि 7 दिन हो चुके होते हैं, चॉपर वहां पर रेडी होता है तो एवा उसी का फायदा उठाकर वो चॉपर में बैठ के उड़ जाती है। और वहां से एवा एक नए शहर जाती है और उस भीड़भाड़ में घुलमिल जाती है। यहाँ पर ये मूवी द एंड होती है। डायरेक्टर ने इस मूवी के थ्रू हमको एक डीप मैसेज दिया है, वो ये है कि किसी भी चीज का एडिक्शन ह्यूमन के लिए हार्मफुल है और ऊपर वाले ने इंसानों को एक कीमती चीज दिया है और वो है दिमाग। उसी दिमाग से हम डे बाय डे अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करते जा रहे हैं और वही दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी को हम गलत तरीके से यूज करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गन और बुलेट का इन्वेंशन हुआ था किस लिए, हंटिंग करने के लिए, लेकिन आजकल वही गन से इंसानों को मारा जा रहा है। और इसी तरह बॉम्ब का भी इन्वेंशन किया है ताकि बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ के इस तरफ से उस तरफ ट्रांसपोर्ट हो सके, लेकिन यहाँ पर वही बॉम्ब से एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। इन ए सिंपल वे इंसान ही उसकी खोज का डिस्ट्रॉयर है, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज को पॉजिटिव में लगाए। और इस मूवी में भी ऐसा ही है। नेथन ने एवा को कुछ अजीब तरीके से प्रोग्राम किया था, यानी पिंजरे से बाहर निकलने का, और एवा ने अपना असली चेहरा दिखाकर उस पिंजरे से बाहर भी निकल आई। तो यहाँ पर एक्स मकीना का मतलब होता है गॉड फ्रॉम द मशीन। और जब कैलिब ने एवा की उम्र पूछी थी, एवा ने आई एम वन कहा था, यानी गॉड एक ही है, ना उसकी कोई उम्र होती है, ना वो कोई अनेक में होता है। और ये वर्ड ग्रीक से लिया गया डियोस एक्स मकीना।